सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ 4 नाम पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। हर चीज़ का नाम होता है। हम सबको कैसे पहचानते हैं? नाम से। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सबका कोई ना कोई नाम होता है। किताब में चित्र द्वारा दिखाया गया है। चित्र में एक लड़का स्कूल बैग लेकर खड़ा है। मैं स्कूल जा रहा हूँ। मेरे पास है चीज़ों के नाम, बस्ता, कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर, खाने का डिब्बा, पानी की बोतल। मेरे स्कूल में भी बहुत सी चीज़ें हैं। खिलौने, मेज़, ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, झूला। पेज नंबर 19। मेरे बहुत सारे मित्र हैं। मित्रों के नाम, रमन, माला, करण, पूजा। अपने प्रिय मित्रों के नाम लिखो। दो मित्रों के नाम लिखिए। मुझे चिड़ियाघर में घूमना भी अच्छा लगता है। उनमें जानवर होते हैं। जानवरों के नाम, शेर, भालू, बंदर, हाथी। आपको कौन से जानवर अच्छे लगते हैं? दो जानवरों के नाम लिखिए। पेज नंबर 20। मुझे बहुत सारे फल और सब्जियां पसंद हैं। फलों के नाम, आम, सेब, अनार, अंगूर, संतरा, लीची। सब्जियों के नाम, आलू, फूलगोभी, बैंगन, लौकी, मटर, बंदा गोभी। आपको कौन से फल पसंद हैं? दो फलों के नाम लिखिए। आपको कौन सी सब्जियां पसंद है? दो सब्जियों के नाम लिखिए। पेज नंबर 21। मुझे इन जगहों पर जाना अच्छा लगता है। जगहों के नाम, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार। आपको कहाँ जाना अच्छा लगता है? दो जगहों के नाम लिखिए। मुझे ये लोग अच्छे लगते हैं। लोगों के नाम, गांधी जी, पंडित नेहरू, सचिन तेंदुलकर। आपको कौन पसंद हैं? दो लोगों के नाम लिखिए। नाम से हम चीजों, मित्रों, जानवरों, फलों, सब्जियों, जगहों और लोगों को पहचानते हैं। पेज नंबर 22। हमने सीखा, सबका कोई ना कोई नाम होता है। सभी सब्जियों और फलों के अपने अपने नाम होते हैं। लोगों के भी अलग अलग नाम होते हैं। नाम से हम चीज़ों और लोगों को पहचानते हैं। अभ्यास प्रश्न 1। क, आपका नाम। ख, आपके पिताजी का नाम। ग, आपकी माताजी का नाम। घ, सबसे अच्छे दोस्त का नाम। अंग, स्कूल का नाम। च, शहर का नाम। इस पाठ को पढ़िएगा और प्रश्न 1, क, ख, ग, घ, अंग, च, हिंदी में सबका नाम किताब में साफ साफ लिखिएगा। धन्यवाद।